जल प्रलय के काणे। बुते समय के बाद दुनिया दे बुते लोग रो थिए, से बेजाय दुष्ट और झगड़े करने वाले लोग थिए। ए जो इतरो बुरु थियो कि परमेश्वर एक की बड़ी बाढ़ ली यो पूरी दुनिया के नाश करने का फैसला करा। पर परमेश्वर नू से खुश थिया, से दुष्ट आदमी मुझ रोने वाला एक दौर में आदमी थिया। परमेश्वर नू कई बोलो कि हाँ एक बड़ी बाढ़ खे लांदा, इत करिए तेने नू के एक बड़ी किश्ती बनो करिए बोलो। परमेश्वर नू के लमसम 140 मीटर लंबे, 23 मीटर चौड़े और 13.5 मीटर ऊंचे किश्ते बनो करिए बोलो। नू के त्यों किश्ती के लकड़ी ले बनने थे और त्यों 3 मंजिला और 3 मैड़ बोरी से कुमरे, 1 छापोर और 1 खिड़की बनने थे। सहज किश्ते नू और तेसके कुड़बे और दुर्ती के सुबी बांध के जानवरों खे त्यों बाढ़ से बचाए बा रख दे। नूए परमेश्वर की बात माने, तेने और तेसकी बेटे तेसने किश्ते बाणे जैसने परमेश्वर बताए रहे थे। जितु के सहज किश्ते बेजाय बोड़े थे, इत करिए त्यों बाणनो करिए कईयों सालों लगी। नूए लोगों के आने वाली बाढ़ के बारे मुंजी चेतावनी दे और तीनू के परमेश्वर के डोबो आनो करिए बोलो, पर तीनू तेस पांदी विश्वास न कोरी। परमेश्वर नू और तेसके कुड़बे के अपी करिए और गोरु करिए खानों के कोठू करनों का आदेश भी दिया। जब सो बैठू तैयार थियो तबे परमेश्वर नू के बोलो कि एजा तेसके और तेसकी गोरवाली के, तेसकी ती बेटे के और तिनकी गोरवाली के कुल मेरा 8 जोड़े के किस्ती दजानों का समय थिया। परमेश्वर सभी जानवर और चुटकुले के, नर और मादा के नू के दौरे छाड़े ताकि सी किस्ती दे जाए सको और बाढ़ से बचाओ रह सको। परमेश्वर ऐसे 7 बात के जानवरों के, 7 नर और मादाओं के छाड़े जिनके बोली चुड़ानो करिए इस्तेमाल कर सको। जब से सब्बे जोड़े किश्ती पांदी होटे गोए तो अपी परमेश्वर किश्ती को द्वार बंद कर दियो। तबे बरखा होने शुरू हो गए और बरखा लागे और लगदू ही रोए बिना रुक के 40 दूस और 40 रातें तोड़ी बरखा लगदू रोए। पूरी दुनिया की सभी चीजों इतने तोड़ी की ऊंची ऊंची दारों बे पानी मुझ डूबी गई। सुख की जमीनों पांदी रोने वाली सभी चीजों मरे गई। तीनों लोगों और जानवरों के छोड़े बा जो किश्ती दे थी सहज किश्ते पानी पांदी बोंदी रोए और किश्ती के भीतर की सभी चीजों के डूबनों से बचाए बा रखी। बरखा रुकने के बाद 5 महीने तोड़ी सहज किश्ते पानी पांदी बोंदी रोए और तैसे समय दो पानी कम हों दो लागे रो थियो। तब एक दू सहज किश्ते एक किदारों के चुट्टी पांदी जाए बा रोके गए और दुनिया इबी बे पानी दे डूबे रोए थे। 3 महीने के बाद दारों की चुट्टी देखी नहीं लगी। तबे हजो 40 दूसों के बाद नूहे एक कौवे खे ए जो देखनो करिए बारे छाड़ा कि पानी सूखे गो। सजा कौवा सुखी जमुनों के जोंदा उंडा पुंडा उड़ांदा रोआ पर तैसे ऐसा कुंजा ठाव ना बेटी। तबे बाद में नूहे एक कबूतरी के बारे छाड़े पर त्यों के बे कुंजी सुखी जमीन ना बेटी। इत करिए से नूह के दौरे पछु आए गए। 1 हफ्ते के बाद तेने त्यों कबूतरी के अट्ट्यों के छाड़े और से अपने चोंच दे एक जैतून के डाले लाए बा पछु आए। पानी गोटी रोत्यू और पौधे बे अट्ट्यों जामदे लागे रोए थिए। नूए 1 हफ्ते हजो ठोलनाए करे और तिजलियो त्यों कबूतरी खे बारे छाड़े। यो बे त्यों के रोनो करी ठाव बैठे गोआ और से पछु ना आई जितु के पानी सोके रोत्यु। 2 महीने के बाद परमेश्वर नूह के बोलो, एबे तू और तेरा कुड़बा और सोबे जानवर किश्ती पर से बाहर आ जाओ और बोरी से ननड़िया और पोते पर पोते पैदा करो और दुर्ती के बोरे देओ। और नूह और तेसका कुड़बा किश्ती पर सा बाहर आए गुआ। नूह के किश्ती पर से बाहर आने के बाद तेने बेदे बाणे और बोली करिए इस्तेमाल होने वाले सोबी बांध के जानवरों मुंजी दे किछे के बोली चौड़ाए और परमेश्वर त्यों बोली से खुशी हुआ और नू और तसके कुड़बे के आशीर्वाद दिया। परमेश्वर बोलो, हाँ वादा करू कि आदमी के द्वारा होने वाले बुरे कामों की वजह से हाँ हजो कोलोई दुर्ती के श्राप न देंदा और बाढ़ ले दुनिया के नाश न करदा। जितु के आदमी तो पैदा होन देदा उबा पापियसो। तबे परमेश्वर अपने वाचा के निशान के तौर पांदी अगले इंद्रधनुष बाणे। जब कोलोई बे
गुणी दे इंद्रधनुष देखियो तो परमेश्वर याद करदा कि तेने का वादा कर रहा है और तैसी कही तस के लोग बे याद कर दे। उत्पत्ति छोटे अध्याय से आठवें अध्याय तोड़ी बाइबल पौरे से एक कहानी।